संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में पिछले 15 दिन से हमारे यहाँ माना प्रपाल हॉस्पिटल में धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल हमारे प्रदेश के क्रांति सैनिक महोदय आए थे, उन्हीं के निर्देशानुसार आज हमारे यहाँ 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन रखा गया है। साथियों, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये एंजल परिवार है, ये सीधे इनसे भगवान की कनेक्टिविटी है। और अन्य राज्यों में हम सबको वेतन मानने कम से कम भी हमें 7,000 से लेके 25,000 रुपये का तक नुकसान है। इसी प्रकार वर्षों से हमारी पदोन्नति प्रक्रिया नहीं होती है। सीएम साहब कहते हैं कि उनको पदोन्नति 3 देते हैं, जबकि हमारे यहाँ पूरे सेवा काल में हमें केवल 1 पदोन्नति से संतुष्ट होना पड़ता है। इसी तरह हमारे यहाँ ठेका प्रथा भी बंद होनी चाहिए और हमारी इस तरह कई विभिन्न प्रकार की मांगे हैं वो सरकार पूरी करे, हमारी यही मांगे हैं। जय नर्स जय जन। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के आंदोलन के आगे की आज की कड़ी में हमारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा गया है। हम गांधीवादी तरीके से 8 से 2 का घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। इसमें हमारे ICU, OT, आपातकालीन सेवाएं सुचारू रखी गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी 11 सूत्रीय मांग पत्र में से 3 प्रमुख मांग हैं, जिनमें नर्सेज की अंदर जो ठेका प्रथा लगाई गई है उसके तुरंत प्रभाव से बंद की जाए। आप संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे DPC विगत लंबे समय से नहीं हुई है। साथ ही तीसरी हमारी प्रमुख मांग है वो है UP, बिहार, अन्य प्रदेशों से हमारा वेतन हमें कम मिल रहा है, इस मांग को हमारी प्रमुखता से पूरी की जाए। मैं हेमंत कुमार आमेटा, संयोजक राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति जिला उदयपुर। आज हमारे पूरे राजस्थान में जो आंदोलन चल रहा है हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में, उसका आज हमारा 15वां दिन है। और आज हमने 15वें दिन को पूरे राजस्थान में हमने इस प्रकार का एक प्रोग्राम रखा है कि हमारी सारी नर्सेज राजस्थान की 2 घंटे की टोकन स्ट्राइक पर रहेगी। और इसी क्रम में हमने यहाँ पर महाराणा भोपाल हॉस्पिटल, जो RNT मेडिकल कॉलेज का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, उसमें हमने सभी ने 2 घंटे का सांकेतिक हड़ताल रखा है। और उसमें हम सब यहाँ नर्सेज सरकार से मांग करते हैं कि वो हमारी मांगों को शीघ्र से शीघ्र पूरा करें और हमें कोई आंदोलन को उग्र करने की आवश्यकता नहीं हो और वो हमारी मांगों को शीघ्र से शीघ्र सुने। हमने जनता के हित में और चिकित्सालय प्रशासन के हित में कुछ चीज़ों को हमारी हड़ताल से मुक्त रखा है। उसमें जैसे हमारी इमरजेंसीज हैं वो सारी संचालित हैं, हमारे जितने भी ICUs हैं वो सारे संचालित हैं, जहाँ पर डिलीवरी और इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, लेबर रूम और पन्नादाय महिला चिकित्सालय के ICU वो भी सारे संचालित हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी रोगी और राजस्थान की जनता को नुकसान पहुँचाना और उनके स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ करना हमारा कतई नहीं है। और हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि वो हमारी नर्सेज जो एक हमेशा एक व्हाइट कॉलर जॉब में अपना काम करती है और ईमानदारी से यहाँ पर सेवा करती है जनता की, उनको मजबूर ना करें कि हम उग्र आंदोलन की ओर बढ़ें और कहीं इस प्रकार की राजस्थान की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। साथ ही मैं जनता से भी अपील करूँगा और जो भी हमारे विधायक सांसद महोदय जो इसको हमारे इस प्रोग्राम को देखें, उनसे भी निवेदन है कि वो राजस्थान सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री को हमारी बात आगे पहुँचाए और हमारी मांगों को शीघ्र शीघ्र पूरी कराए। और हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा और इसके आगे भी आंदोलन है। इसके बाद में हमारे जयपुर में महारैली है और हम क्रमबद्ध तरीके से पूरे जिले में एक एक दिन छोड़कर एक एक दिन टोकन हड़ताल का हमारा जो कार्यक्रम है उसको हम पूरा करेंगे। धन्यवाद।
समस्याएं हैं
जिनके लिए हमने आज ये कदम उठाना पड़ा है। हमें काफ़ी वेदना है कि रोगियों की हम सेवा नहीं कर पाते हैं, लोग आम रोगियों को कठिनाई पैदा होती है। हम नहीं चाहते कि सेवा भाव हमारा प्रोसेस जो प्रोफेशन है वो सेवा भाव से जुड़ा हुआ है। हम कतई नहीं चाहते कि हम सड़कों पर आए, हम कार्य का करें, एक घंटे का एक मिनट का भी हम बहिष्कार करें, हम कदापि इस चीज़ को नहीं चाहते। सरकार हमारी मान्य विनम्रता पूर्वक सुने, इसी के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूँ। जय 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 जय